हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज किचन। ये मैंने दो बड़े प्याज काट लिया है, बारीक सा, थोड़ा सा मीडियम सा, ताकि हम बेसन के पकोड़े बना सके। मैं बना लिया है मैंने कढ़ी, तो कढ़ी के पकोड़े मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने दो बड़े प्याज काट लिया है, इसमें डाल दिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये एक दो मिर्ची बारीक चीर के, और कड़ी पत्ते को भी मैंने बारीक सा कटिंग करके डाल दिया है। ठीक है, अभी हम डाल देते हैं बेसन। आप जितने चाहे आपके घर के हिसाब से बना सकते हो, मैं बना रही हूँ अपने घर के हिसाब से। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, कोतम्बीर मैंने डाल दिया, ये लहसुन और अदरक मैंने थोड़ा सा ठेसा करके इसमें डाल दिया है। बहुत टेस्टी बनते हैं ये वाले पकौड़े। ठीक है, ये सब चीज़ों से कर लेते हैं मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। थोड़ा पानी, थोड़ा सा पतला नहीं करना है, ग्रेवी अच्छे से घट्टे ही रखना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना है। हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। ठीक है, तो चलो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बस अभी हाथ से अच्छे से एकदम फेंट लो इसको। हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर से अच्छे से सॉफ्ट और फूलते भी अच्छे हैं बहुत। हमने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाला है। ठीक है, सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया था गरम को, 5 मिनट रख दिया था मैंने उसको बेसन के आटे को घोल के। तो ये तेल चढ़ा दिया है गरम, डाल लेते हैं फटाफट पकौड़े। ठीक है, चलो जितने कढ़ाई में बैठ सके उतने ही डाल लेना और धीमी आंच कर देना, बिल्कुल फास्ट गैस में नहीं तलना है हमको। तेल गरम करके और बिल्कुल इसको मीडियम आंच कर लेना है। ठीक है, थोड़ा ऐसे चम्मच से थोड़ा देख लो और थोड़ा सा तेल को ऐसे हिला दो ताकि ये अच्छे से ऊपर की तरफ से अच्छे से सिक जाए। ठीक है, तो मैंने डाल दिया है, ये कढ़ी मेरी बन गई है, बस तड़का लगाना है कढ़ी को। ये पकौड़े होने आ गए तैयार। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, चलो निकाल लेते हैं हम पकौड़ों को एक प्लेट में। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया प्लेट में, ये हमने डाल दिया है दूसरे पकौड़े, जो भी बचा हुआ था बेसन का घोल तो हमने डाल दिया है। बस ये भी फटाफट हो जाएंगे अभी। ठीक है, आपकी कढ़ी आप कैसे बनाते हो मुझे बताना, आज मैंने अलग स्टाइल की कढ़ी बनाया है। ठीक है, ये पकोड़े सब फ्राई हो गए हैं मेरे। ये मैंने तड़के गरम तेल था उसी में राई जीरा थोड़ा सा डाल दिया है, और मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हींग, दो में सूखे मिर्च, और ये मैंने डाल दिया लहसुन कड़ी पत्ता तड़के के अंदर। ठीक है, हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे जो हमारे पास, ऐसे क्रश करके डाल देना, मैंने क्रश करके रखा था उसको। ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया है तड़के में, और थोड़ी सी हींग हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। आज मैं थोड़ी अलग कढ़ी बना रही हूँ सारे टेस्टी मसाले डाल के। ठीक है, और नमक थोड़ा ही डालूँगी ताकि हमारी कढ़ी में और पकौड़ों में भी नमक है। ठीक है, पकौड़ों को इसमें डाल लेते हैं और बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। आज कुछ अलग स्टाइल की कढ़ी बन रही है मेरी, बहुत टेस्टी लग रही थी ये कढ़ी, मैंने जब भी बनाया बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी ये कढ़ी। ठीक है, बस ऐसे बना के आप ज़रूर देखना। हम पकोड़ों में ऊपर, कढ़ी में हम पकोड़े ऊपर से डालते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से फ्राई करके डाल दो, कढ़ी का दुगना स्वाद बढ़ गया था मेरा। ठीक है, इतनी टेस्टी बन गई थी कढ़ी कि बस, ज़रूर आप लोग ऐसे बना के देखना, पकोड़ों को तड़के में डाल देना और अच्छे से मसाले वगैरह डाल देना, बहुत टेस्टी बनी थी। गरम गरम कढ़ी, बारिश हो रही है बाहर और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है। गरम गरम कढ़ी, चावल और इसके कुछ पकोड़े मैंने साइड में रख लिया है सूखे ऐसी। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम कढ़ी चावल एक नंबर बना था। ठीक है, ज़रूर आप लोग भी बनाना ऐसी कढ़ी। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया ऊपर से। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर ऐसी कढ़ी बनाना और आप लोग कैसे बनाए मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कुछ और टेस्टी वाली अच्छी वाली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।